उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं, जो कि 4 मार्च तक होंगी। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यूपी बोर्ड के मुख्यालय प्रयागराज और क्षेत्रीय कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। साथ ही यूपी बोर्ड ने कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 3 मार्च को समाप्त होगी और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 4 मार्च को समाप्त होगी। यूपी बोर्ड मैट्रिक यूपी एमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 10 जनवरी को दोनों कक्षाओं 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षा टाइम टेबल एक साथ जारी किया गया था। बोर्ड के छात्रों को वैध यानी बिना सत्यापित प्रवेश पत्र के परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए छात्रों के लिए यूपी बोर्ड एडमिट कार्ड को स्कूल प्रिंसिपल से सत्यापित करवाया जाना बेहद जरूरी है। परीक्षा को लेकर खास पारदर्शिता के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इनमें से कुछ जिलों को भी अति संवेदनशील जिलों के तौर पर चिन्हित किया गया है। प्रशासन यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर काफी सख्त है और पेपर लीक व चीटिंग जैसी घटनाओं को रोकने की कोशिश में लगा है। पिछले सालों के यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल, अनियमितता, प्रश्न पत्र वायरल होने के कारणों को ध्यान में रखकर एक लिस्ट तैयार की गई है। इसके आधार पर प्रयागराज, मथुरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हरदोई, आजमगढ़, बलिया, मऊ, कौशाम्बी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया और गोंडा को परीक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील चिन्हित किया गया है और इन पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की 20 विषयों की परीक्षाओं पर खास सतर्कता बरती जाएगी। 10वीं में हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, संस्कृत, चित्रकला विज्ञान, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान, जबकि 12वीं में हिंदी, सामान्य हिंदी, भूगोल, अंग्रेजी, जीव विज्ञान, गणित, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, इतिहास, संस्कृत, रसायन विज्ञान व समाज शास्त्र विषयों की परीक्षाएं जिन तिथियों एवं पालियों में होनी है उनमें विशेष निगरानी और सतर्कता बरतने के साथ ही नकल माफिया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। बोर्ड परीक्षाएं पास आ गई हैं, वहीं सभी शिक्षक और बच्चों के अंदर एक टेंशन का माहौल बना हुआ है। वहीं हमने जब टीचरों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने पूरे साल अपने छात्रों को अच्छे से तैयारी करवाई है, जिसमें कि वह आगे चल के रिजल्ट भी अच्छे लाएंगे। वहीं बच्चों से बात करने पर बताया कि उनके अध्यापकों ने उनको पूरे साल अच्छे से तैयारी करवाई है, जिसके बाद वह रिजल्ट में उत्तम और अच्छी श्रेणी पाकर ही पास हो जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के अच्छे इंतजाम कर रखे हैं और हर कमरों में CCTV फुटेज की भी व्यवस्था की हुई है और हर कमरों में नकल विहीन तरीके से परीक्षा कराने के भी तैयारी कर रखी है। कानपुर से आकाश श्रीवास्तव, DT Now कानपुर। मेरा नाम ऋषि वाजपेयी है। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं मैथ का टीचर हूँ। पेपर पास में आ गए हैं, बच्चों को किस तरीके की आपने तैयारियाँ करवाई है और क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को पेपर को लेकर? मैं 10 साल से यहीं बर्रादो राम जानकी मंदिर के पास अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ। टाइम्स ट्यूटोरियल हमारी कोचिंग का नाम है। मैं बच्चों को यही टिप्स देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें, ज़्यादा तनाव ना लें और पेपर के टाइम मोबाइल से ज़्यादा दूर रहें, अपने आप पर फोकस करें और तनाव मुक्त रहें। बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ साल भर से, मैंने जो है अपने सब्जेक्ट पर पूरा फोकस किया है। अब जैसे जैसे पेपर पास में आ रहे हैं उस हिसाब से मैं पर डे जो है इनसे वर्कशीट देता हूँ, उसको कंप्लीट कराने के लिए बोलता हूँ और पर डे मैं टेस्ट भी ले रहा हूँ उनको। जितना ज़्यादा हो सकता है मैं वर्कशीट पर फोकस कर रहा हूँ, बच्चों की प्रैक्टिस पर भी फोकस कर रहा हूँ। मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है और मैं टाइम्स ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर बर्रादो राम जानकी मंदिर में पढ़ाता हूँ।
बोर्ड परीक्षाएं पास आ गई पूरे साल बच्चों ने पढ़ाया कि किस पैटर्न में आपने पढ़ाया और किस तरीके की? हाँ, पूरे साल इनका प्रिपरेशन अच्छे से किया गया हमारे इंस्टीट्यूट में। इनको प्रॉपर मॉक टेस्ट वगैरह, इनका सिलेबस कम्प्लीट है और भी आने वाली परीक्षा को तहत हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं, इनका भी डेली प्रैक्टिस सेट वगैरह इनका हम लोग लगवा रहे हैं और साथ में इनको सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले अपने आप सिलेबस फिनिश करिए, उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट अपना सॉल्व करिए। अदरवाइज़ अगर आपने पहले प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है आप थोड़ा सा अंदर से डर जाओ कि उसमें आपने अपना सिलेबस कम्प्लीट नहीं किया, और बिफोर टाइम अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाएगी जो कि इस समय नहीं आनी चाहिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश यही देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस ख़त्म करिए, आपके जो चैप्टर आपको सबसे अच्छे से आते हैं उनको और भी अच्छे से लगाइए ताकि आपका जो अच्छा पोर्शन है उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। और उसके बाद मार्क करिए अपने वो चैप्टर जो कहीं ना कहीं आप उनमें जिसमें से कमज़ोर हो, और उनका प्रैक्टिस अपना आप स्टार्ट करिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करके उनको प्रैक्टिस करिए, सोल्यूशन लीजिए, सॉल्व करिए, और एग्ज़ाम के 10 से 15 दिन पहले आप फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट करिए अपने प्रैक्टिस सेट इजी नोट वगैरह से। तो पूरे साल हमारे यहाँ कोचिंग का शेड्यूल है, सैटरडे संडे जो है हम टेस्ट का ही रखते हैं, इनका जो भी सिलेबस पढ़ाया गया उसका सैटरडे संडे में इनका टेस्ट चलता है और उसी तरीके से पैटर्न पर हम लोग पढ़ाते हैं। बोर्ड परीक्षाएं निकट आ गई हैं बच्चों की और बच्चों को आपने तैयारी भी कराई होगी पूरे साल, तो किस तरीके की तैयारियां करवाई हैं बच्चों को पूरे साल और क्या सिलेबस पैटर्न रहा है जिससे बच्चों को पढ़ने में एग्ज़ाम में आसानी हो? ICSE बेसिकली ये बच्चे ICSE बोर्ड के हैं और ICSE बोर्ड में बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो हम लोगों ने साल भर इन बच्चों को कंसेप्चुअल में बेसिक कंसेप्ट फंडामेंटल्स पे फोकस किया है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स पैटर्न है उस न्यूमेरिकल जैसे भी बोर्ड पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स से, उसकी हम लोगों ने इनकी खूब प्रैक्टिस कराई है। इसके अलावा अभी हम लोग सैम्पल पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं जिससे इनका जो डर है वो ख़त्म हो जाए। बेसिकली सैम्पल पेपर्स जब तक ये 10 से 12 नहीं लगाएंगे तब तक इनका जो डर नहीं ख़त्म होगा। और बेसिकली देखिए इनको सब आता है, इन बच्चों को सब आता है वहाँ पर, लेकिन जब ये वहाँ जाते हैं तो ये थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, है ना। तो जब हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करा देते हैं इनको कुछ 10 से 15 पेपर्स की, तो क्या है कि अब इनका नर्वस मतलब जो हेजिटेशन है और जो इनका थोड़ा सा डर है वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर जाके ये अच्छे से तभी परफॉर्म कर पाएंगे। और इसलिए अब बाकी बच्चों का हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं यहाँ पर, तो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आई होप कि ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन। क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों को पेपर के लिए आगे? बेटा आप लोगों को हार्ड वर्क करने की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत कम टाइम है हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करें और टाइम देख कर इनको सॉल्व करें जिससे दिए हुए टाइम पर सारे आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं और एक बार आप उसको पेपर को चेक कर सकें तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बेसिकली आप लास्ट डे के लिए मत बैठें, उससे पहले ही अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें और जितने भी सैम्पल पेपर्स है वो लगाकर एक बार देख लें कि आपको कोई कंसेप्ट आपका छूटा तो नहीं है, और अगर कोई कंसेप्ट छूट गया है तो उसको अभी से दोबारा से एक बार रिवाइज करके देख लें और अपने जो भी टीचर्स हैं उनसे पूछ लें। आकांक्षा, आई एम टीचिंग बायोलॉजी हियर। तो बेसिकली बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ही हम लोग हर चीज़ डील कर रहे हैं और जितना हो सके हम बोर्ड को फोकस करके ही कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रेशराइज कम हो, क्योंकि जितना रिवीजन होगा उतना ही कम प्रेशराइज फील करेंगे। तो उसी हिसाब से हम लोग अपना जो भी जितना भी सिलेबस है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं और रिवीजन को ही दिमाग में रख रहे हैं अभी फ़िलहाल। बस यही कि जितना आप रिवाइज़ कर सकते हैं उतना रिवाइज़ कीजिए और इसके अलावा बाकी तो जो एग्ज़ाम में होगा होगा, लेकिन इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, और भी एग्ज़ाम से आगे आ सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सृष्टि। पेपर पास में आ गए, किस तरीके की तैयारी की है आपने और सर ने किस तरीके की आपको पूरे साल तैयारी करवाई है? तैयारी तो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और कुछ डाउट्स है वो भी क्लियर सर ने कर दिए हैं। बाकी सर ने काफ़ी मेहनत की है और पूरे साल अच्छे से टेस्ट वगैरह लिए और उसमें मार्क्स वगैरह और इम्प्रूवमेंट के लिए भी सजेशन दिया है और गाइडेंस भी दिया है कैसे क्या पढ़ना है करना है और सैम्पल पेपर के भी सजेशंस दिए डेली, उसको प्रैक्टिस करो लगाओ और जो भी डाउट्स हो क्लियर करो। क्या पेपर पास आ गए हैं? टेंशन तो हो रही होगी बहुत। क्या लगता है क्या रिजल्ट रहेगा? वो तो
पता ही चलेगा, उसी की टेंशन है रिजल्ट और भी सब्जेक्ट्स वगैरह। क्या नाम है? अवंतिका सिंह। आप कहाँ पढ़ते हैं? सर टाइम ट्यूटोरियल में। पेपर पास में आ गए हैं, किस तरीके की तैयारियाँ हैं और कितनी टेंशन हो रही है पेपर को लेकर? मतलब कंसेप्ट सारे क्लियर, पूरे साल स्टडी की है, 10 ईयर्स लगाए हैं और शीट्स भी मिलती रही हैं कोचिंग से, और काफ़ी सारे मतलब जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं, और मतलब जितने सैम्पल पेपर है वो भी लगा लेते हैं। सर उज्जवल अवस्थी। पेपर पास में आ गए। यस। किस तरीके की तैयारियाँ की आपने? सर तैयारी तो बहुत अच्छी करी है, जिसने पूरे साल पढ़ा उसको तो बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब लिटिल नर्वस तो हैं क्योंकि पहली बार देने जा रहे हैं, इसलिए तैयारी तो बहुत अच्छी हुई। सर ने भी सैंपल पेपर्स दिए हैं, सारे टेस्ट लिए हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। अब नर्वस तो हैं जरा सा क्योंकि पहली बार देने जा रहे हैं, बाकी सब तैयारी बहुत अच्छी है। स्कूल कौन सा आपका? सर शिवाजी इंटर कॉलेज। कोचिंग आपने कहाँ से? सर कोचिंग तो सर फ्रेंड्स ने सजेस्ट करी थी तो सर आने लगे थे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शीट्स रेगुलर देते हैं और टेस्ट भी रेगुलर लेते हैं, जिससे हम लोग के अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है और सर हम लोग का बहुत अच्छे साथ देते हैं। सर अमित सर। मेरा नाम लतिका द्विवेदी। हम लोगों ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसको अच्छे से फ्रेम करते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं उसको मतलब अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो भी जो चीज़ें नहीं होती हैं वो टीचर्स बताते हैं हम लोगों को कैसा करना है क्या नहीं करना है। बाकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है हमारी। फेवरेट मेरा सब्जेक्ट माई ओपिनियन तो है मेरा साइंस में फिजिक्स। हमारा नाम उत्कर्ष द्विवेदी है, हीरालाल पटेल इंटरनेशनल स्कूल। तैयारी तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है और कोचिंग में भी बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, जो जितने डाउट हम लोग लेके आते हैं सब टीचर सॉल्व करते हैं। हमारी मॉर्निंग में भी क्लास चलती है 2.5 आवर्स की और इवनिंग में भी, और सैटरडे संडे मॉक टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिस सेट लगवाए जाते हैं डेली, और बहुत अच्छी तैयारी हो रही है और मुझे विश्वास है कि मेरी कोचिंग से ही टॉप जाएगा। आपका